वहीं गाजियाबाद में बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे रेबड़ी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मोदी सरकार की तारीफ उन्होंने की तो वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए केजरीवाल दिखाना चाहते हैं कि मोदी की टक्कर के नेता है, जांच एजेंसी अपना काम कर रखी है। वहीं बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तय है। बीजेपी जो वादा करती है उसे निभाती है। हमारी सरकार ने 9 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। सबका साथ और सबका विकास बीजेपी का लक्ष्य है। हमारी पार्टी लगातार महंगाई खत्म करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जी को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनका एक कैबिनेट मंत्री जेल में है, दूसरे उनके जो सहयोगी उपमंत्री हैं उनके खिलाफ इतने गंभीर अपराध की शिकायत हुई है, सीबीआई का छापा पड़ा है, उसकी जांच हो रही है और वह जैसे कोई विजेता की तरह शिक्षा मंत्री। अरे शिक्षा मंत्री हो तो ये भी तो बताओ कि शराब मंत्री भी हो। 2024 की भूमिका फाइनल है, वो तो तय ही है। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बड़े बड़े सुनहरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, नींद खुलेगी तो सब गायब हो जाएगा। धन्यवाद।